है फेसबुक लाइव, और आज रात तक ये वक्तव्य आपका यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो आपके जितने श्रोतागण हैं जो यहाँ उपस्थित नहीं होंगे वो इसको वहां देख सकते हैं वहां पर। और पुराने दो वक्तव्य आपके जो मैं अभी तक नहीं करवा पाया, उम्मीद है कि जल्दी ही उनको भी हम आपको यूट्यूब पे फेसबुक पे दे देंगे वहां पर। इस बार मैंने कमांड खुद ली हुई है, किसी पर छोड़ा नहीं है, ताकि कोई भी कमी की गुंजाइश ना रह पाए। इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश प्रसाद से अनुरोध करता हूँ कि अपने वक्तव्य की शुरुआत करें। सर, समय सीमा हमने आपके लिए कोई नहीं रखी है, पर आपका सेहत देखते हुए और आपके चाहता हूँ कि मुर्गी हमारे अंडा देते रहे बार बार, तो आपको मैसेज रखते हुए एक घंटे उम्मीद करता हूँ कि एक घंटे ज्यादा बोलेंगे तो आपको भी गले में थोड़ा सा तकलीफ होगी, तो मैं एक घंटे सवा घंटे आप जितना चाहें समय, आपके समय आपके पास है। आशा स्पष्ट है, आशा स्पष्ट है। प्रणाम सर, आपका स्वागत है सर। भाई भोलानाथ जी, प्रदीप जी, प्रवेंद्र जी और बाकी ब्रिगेडियर शर्मा जी और सभी लोग, तो बात प्रारंभ की इन्होंने प्रश्नोत्तर से, कुछ से, और जैसे कल मैंने जब भाई भोलानाथ बोल रहे थे तब मैंने कहा था कि क्विज या पहली या प्रश्नोत्तरी या वक्रोक्ति या उक्ति, इनका एक विशेष महत्व है भारतीय दर्शन में। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करना चाहूंगा उस वार्तालाप से जो मंडन मिश्र और आचार्य शंकर के बीच हुआ। आप सभी जानते हैं कि उस समय पर पूरे उत्तर भारत में मंडन मिश्र एकमात्र विद्वान माने जाते थे, और ये बड़ी उत्सुकता का विषय था। आयु में मंडन मिश्र अधिक थे, आचार्य शंकर समय पर उनसे आयु बहुत छोटे थे, छोटे नहीं बहुत छोटे थे, लेकिन उनको गुरु की प्रेरणा थी कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांधना है, पूरे भारत का ज्ञान दर्शन सब एक सूत्र में होना चाहिए। और ये बौद्धों का जो प्रभाव आ रहा था, जिससे कि अनिश्चरवाद फैल रहा था, इसको रोकना है। उस हेतु आचार्य शंकर चाहते थे पहले मैं जाऊं और सभी विद्वानों को एक सूत्र मान दूं, तो अत्यंत आवश्यक था कि वो पहले मंडन मिश्र को अपने सूत्र मानते। तो इसके दो प्रसंग है, पहला छोड़ दूंगा कि पहला जो आचार्य शंकर झटका लगा जब उन्होंने पूछा गांव की पनिहारिन से कि मंडन मिश्र का घर कहां पर है, और प्रमेन जानते होंगे कि जो उसका उत्तर पनिहारिन दिया कि जिसके दरवाजे पर पक्षी भी ये चर्चा कर रहे हो, तोता तोती, कि जगत ध्रुवम सात जगत अध्रुवम सात, इसको भी छोड़ता हूं। उसी समय पर क्या हो रहा था कि मंडन मिश्र अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे, और लौकिक श्राद्ध करने के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महर्षि वेदव्यास और महर्षि जैमिनी को आमंत्रित किया, और दोनों उपस्थित हो गए, और उनके माध्यम से उस श्राद्ध का समापन कर रहे थे। आचार्य शंकर ने जब यह अनुभव किया कि इस घर का जो द्वार बंद है और इसके अंदर ऐसी प्रक्रिया चल रही है, अपने कौतूहल को रोक नहीं पाए, और वो आकाश मार्ग से उनके आंगन में उतर गए। एक सन्यासी का ना एक कर्मकांडी ब्राह्मण को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हुआ। वैसे भी जो कर्मकांड में ज्यादा विश्वास करते हैं, उनका कहना कि श्राद्ध के समय पर सन्यासी को नहीं आना चाहिए। तो आचार्य शंकर देखते ही मंडन मिश्र को काफी क्रोध उत्पन्न हुआ, और उन्होंने काफी क्रोध से पूछा, कुतो मुंडी, सन्यासी को मुंडी कहना सन्यासी का अपमान करने के समान था, तो सर घुटाए हुआ आदमी कहां से आ गया? अब कुतो शब्द प्रयोग किया है, आपकी पजल वाली बात आती है, एक शब्द को आप कैसे देखते हैं, कुतः करते हो, क्यों, कैसे, कहां से, सभी कुछ होता है, कैसे हो? आचार्य शंकर ने वही अर्थ लिया कि कैसे वाला, तो उन्होंने कहा आगलान मुंडी, यानी मैं यहां से लेकर गले तक मुंडन कर रखा मैंने। उन्होंने पूछा था कि कहां से आए हो, उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने मुंडन यहां से यहां तक कराया हुआ, कुतो मुंडी, आगलान मुंडी। मंडन मिश्र थोड़ा नाराज हुए, द्वारा कहा पंथास्ते प्रक्षामया, अरे मैं रास्ते से पूछ रहा हूं, तात्पर्य था किस रास्ते से आए हो पूछ रहा हूं, लेकिन द्वारा से देखिएगा, रास्ते से पूछ रहा हूं यानी किस रास्ते से आए हो, लेकिन आचार्य शंकर उत्तर क्या दिया, किमाह पंथा, फिर रास्ते ने उत्तर क्या दिया,
अगर आपने रास्ते से पूछा है तो रास्ते ने कुछ उत्तर दिया, यानी उन्होंने उतना ही पकड़ा, रास्ते से पूछ रहा हूं, यानी आपने रास्ते से पूछा है तो उन्होंने फौरन कहा कि महापंथा, तो फिर रास्ते ने उत्तर क्या दिया आपको? अब मंडन मिश्र को और गुस्सा आ गया, और गुस्से आने पर वही काम किया जो आज भी हो रहा है कि बात चल रही थी आचार्य शंकर से, उनके मातक जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्रोध भर करके वहां तक पहुंच गए और क्या कहा, तन माता मुंडा इत्याय, यानी तुम्हारी माता मुंडा है, ऐसा कहा उन्होंने। अब एक सन्यासी से आप इस प्रकार का उसका अपमान करें तो होना चाहिए था आचार्य शंकर को भी शायद क्रोध आता, कुछ कहते, लेकिन वो और मुस्कुरा पड़े और बड़ा मुस्कुरा के उन्होंने कहा तथा भी अगर रास्ते ने आपसे ये कहा तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा, अर्थात फिर रास्ते ने आपसे ये कहा है कि आपकी माता ही मुंडा है, आपने पूछा है रास्ते तथा भी फिर आपके साथ ऐसा ही हुआ होगा। अब तो मंडन मिश्र और गुस्सा आ गया, पूछा पिता किम सुरा, क्या तूने शराब पी रखी है? अब देखिए पिता शब्द है, प्रबंध ध्यान दीजिएगा, ये पीला भी होता है और पिया हुआ भी है, एक अर्थ होगा क्या तुमने शराब पी हुई है और दूसरा अर्थ होगा क्या सुरा पीली होती है। फिर आचार्य शंकर ने मुस्कुरा द्वारा उत्तर दिया सातु श्वेता, अरे वो तो सफेद होती है। अब मंडन को बहुत बेइज्जती महसूस हुई, तूने और उसका अहो जाना थी, अच्छा तुम जानते हो कि सुरा होती है और सफेद होती है, अब इसका उत्तर दे, कितना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने आचार्य शंकर ने, अहम रूपम भगवान रसम, मैं तो केवल उसका रूप जानता हूं सफेद होती है, लेकिन आपके व्यवहार से लग रहा है कि आप तो उसका रस भी जानते हैं कि किस प्रकार का रस सुकंदर है। इस बात पे आकर के उनकी एक पहला जो था कड़ी शास्त्रार्थ की समाप्त हो गई और दोबारा से प्रारंभ हुई तो दर्शन पे चर्चा हुई। तो कहने का तात्पर्य था कि भाषा और प्रश्न दोनों को समझ करके जब आप कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो वो जो चीज ज्ञान सामने आता है वो अति दुर्लभ होता है। और इससे मुझे याद आ गया एक प्रश्न और जो हम अपने विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए कि अक्सर पुराने राजा जब ज्योतिषियों को बुलाते थे या अपना कोई राज ज्योतिषी रखते थे तो एक प्रश्न से होता था उनका कि मंगल की बात चल रही है, योद्धा की बात चल रही है, तो मैं राजा का उदाहरण ले रहा हूं कि इस महीने में मेरे लिए सबसे कठिन दिन कौन सा है। और आप देखेंगे प्रत्येक कुंडली में महीने में एक दिन ऐसा आता है या कुछ घंटे ऐसे आते हैं जो बहुत ही दुर्गम होते हैं उस आदमी के लिए, अगर उस टाइम को अवॉइड कर जाए तो किसी बड़ी समस्या से बच सकता है, और असावधान हो जाए और उसी क्षण उस पे कोई अटैक कर दे वो सावधान है तो हार निश्चित होती है, क्योंकि उसका होता है अति दुर्गम काल। ऐसे ही पूरे महीने में एक दिन आता अति सुगम काल। तो राजा लोग अपने ज्योतिषियों से हर महीने का कैलकुलेशन करवाते थे, इस महीने का मेरा दुर्गम दिन कौन सा है और सुगम दिन कौन सा है। सुगम दिन के लिए वो जाके अटैक करते थे, व्यवस्था देखने चले जाते थे, और दुर्गम दिन आता था जिस दिन उसे स्वयं बैठ के आराम करते थे, सुरक्षा में रहते थे, किसी प्रकार का कोई भी निष्प्रिय प्रयोजन नहीं करते थे, यानी किसी प्रकार का आप असावधानी रखें और कोई गड़बड़ जाए। तो ये गणना होती कैसे थी, अति दुर्गम काल अति सुगम काल। संक्षेप में कहेंगे तो एक ही दिन आएगा, कुछ घंटे आएंगे, काल कह दिया गया, उस जमाने में काल कहने का सिस्टम था और बहुत ही आसान इसकी गणना करना। जैसे आज मंगल की चर्चा हो रही है तो मैं मंगल का उदाहरण लूंगा, जैसे मान लीजिए मंगल किसी आदमी का जन्म नक्षत्र है तो ज्योतिषी पहले उससे पूछता था महाराज आप मृगशिरा के हैं, चित्रा है, धनिष्ठा में है, कौन सा नक्षत्र आपका है? उसमें भी अगर मृगशिरा है तो अगला प्रश्न आएगा उसका ज्योतिषी का कि श्रीमन पहला चरण दूसरा चरण है या तीसरा और चौथा है, कि ये चरण के भेद होने से ही पूरा अंतर आ जाएगा उस दुर्गम काल में। अब जो हमारे विद्यार्थी गणना करना प्रारंभ करें कहां से होगा, बड़ा संक्षेप सिस्टम था उसका। पहले दिखाते थे कि जैसे आप जानते हैं तारा बल से कि सातवां जो तारा आएगा आपका वो वध तारा होगा, तो जिस दिन वध तारा और चंद्रमा अष्टम राशि में दोनों कंसाइड करेंगे जितने देर के लिए वो क्षण आपके लिए अति दुर्गम है।
यानी अष्टम राशि और सातवां तारा जिस समय पर कंसाइड करेंगे, यानी चंद्रमा गोचर में जिस दिन अपने जन्मस चंद्रमा से अष्टम जा रहा हो और साइड बाय साइड जिस नक्षत्र गुजर रहा हो वो आपका सातवां नक्षत्र हो, वो आपका अति दुर्गम समय आ गया। तो फौरन कहता है मृगशिरा पहला दूसरा है तो उनका श्रीमान पूर्वाषाढ़ में जब चंद्रमा रहेगा महीने में जिस दिन, वो दिन आपके लिए सतर्क रहने का है, कोई आप उसमें चांस नहीं ले सकते, क्योंकि पूर्व मंगल से सातवां नक्षत्र निकालना शुरू करेंगे तो आपका आएगा शुक्र। शुक्र के तीन ही नक्षत्र होते हैं, भरणी होगा, पूर्वाषाढ़ होगा, पूर्व फाल्गुनी होगा। अब इसमें देखेंगे कि अष्टम राशि और सातवां तारा कहां कंसाइड कर रहा है, ये कंसाइड करेगा पूर्वाषाढ़ पे। तो पूर्वाषाढ़ जब तक रहेगा, चंद्रमा रहेगा पूर्वाषाढ़ पर, उस दिन राजा को सतर्क रहने की आवश्यकता होती थी, बाहर मत जाइए, खेल करने मत जाइए, मृगया पे मत जाइए, किसी प्रकार का कोई चांस मत लीजिए ताकि कहीं कोई आप अटैक करे आप संभाल ना सकें। लेकिन अगर मृगशिरा तीसरा चौथा चरण आपका है तो आपको दुर्गम काल तो आएगा, अति दुर्गम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कंसाइड करना है कि आठवीं राशि भी आ जाए और सातवां नक्षत्र आ जाए, ये मृगशिरा तीसरे चौथे में नहीं आएगा, तो उसको दुर्गम काल तो आएगा, उसकी गणना अलग करेंगे, लेकिन अति दुर्गम नहीं आएगा। ऐसे ही चित्रा का पहला या दूसरा है तो उसके लिए भरणी में जब आएगा चंद्रमा महीने का वो दिन उसके लिए अति दुर्गम दिन हो गया। जब चित्रा का प्रथम या दूसरा चरण है जिस राजा का, उसके लिए महीने में चंद्रमा जो भरणी नक्षत्र पर रहेगा वो दिन उसके लिए अति दुर्गम हो गया, वो दिन उसने अवॉइड करना है, उसने कोई भी चांस नहीं लेना। लेकिन चित्रा तीसरा या चौथा चरण है तो वो सौभाग्यशाली है, उसको दुर्गम काल आएगा, अति दुर्गम काल उस महीने में या किसी महीने में नहीं आएगा। अब ये गणना करके हमारे विद्यार्थी देख लें कैसे आता, और अगर नहीं फिर भी समझ में आए तो अगली बार में, हालांकि मुझे प्रदीप ने मना कर दिया भाई पीपीटी मत दिखाइएगा, ऐसे ही बोली रहा पीपीटी नहीं दिखा रहा हूँ, वरना पीपीटी में स्पष्ट दिखा देता कि ये चंद्रमा ये सारी चित्रा का तीसरा या चौथे चरण में कैसे बच गया और पहले दूसरे में कैसे फंस गया, लेकिन गणना करके आप लोग देख लेंगे। ऐसे ही धनिष्ठा का पहला दूसरा चरण है राजा का, तो उसके लिए चंद्रमा जब पूर्वा फाल्गुनी में आएगा ये उसके लिए अति दुर्गम दिन हो गया, उसको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो पूरे साल में जिस हर महीने में जब जब चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी पाएगा तो धनिष्ठा नक्षत्र के पहले या दूसरे चरण वाले जातक को सतर्क रहना चाहिए। तो ये हो गया अति दुर्गम। इसके अपोजिट अति सुगम भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग अति सुगम है। अब हम इसका ही उदाहरण लेंगे, मंगल का ही, जिसकी आज चर्चा हो रही है, मंगल का उदाहरण लूंगा। मृगशिरा पहला और दूसरा चरण इनका है, उनके चंद्रमा जब जब श्रवण पर रहेगा, दे आर लकी, दे कैन डू एनीथिंग दैट डे, बहुत थोड़ा प्रयास करेंगे बहुत बड़ा फल मिलेगा। लेकिन मृगशिरा का तीसरा चौथा चरण है, उनको ये काम जब चंद्रमा हस्त में हो तब करना चाहिए, श्रवण में नहीं, उनको हस्त में। ऐसे जिनका चित्रा का पहला या दूसरा चरण है, उनके लिए चंद्रमा जब रोहिणी में है ये उनकी अति सुगम काल है, जिस काम में हाथ डालेंगे सफल होंगे, कोई उलझन नहीं आएगी। लेकिन तीसरा चौथा चरण वाले को श्रवण में जब चंद्रमा होगा तब एफर्ट करना चाहिए। इसी तरीके से धनिष्ठा के उदाहरण होगा कि धनिष्ठा का पहला या दूसरा चरण है अगर चंद्रमा का, उसको हस्त नक्षत्र में कार्य करना चाहिए, और तीसरे या चौथे चरण वाले को रोहिणी में। तो इस तरीके से जो राजा लोग काम करते थे वो बार बार पूछते थे, तो लेकिन जो सी बड़े होशियार होते थे ये गणना नहीं बताते इनको, वो आके सीधे कहेंगे राजन इस महीने की 15 तारीख के लिए सतर्क रहने की है और 24 तारीख बड़ी अच्छी है। उसके पीछे कारण कभी नहीं बताते थे कि इस तरीके से भगवान आज चंद्रमा आपका पूर्वाषाढ़ में है, आपको सतर्क रहने का दिन है, और आज चंद्रमा आपका इसमें आ गया, श्रवण आ गया, आप कुछ भी करें सफल होंगे, ये राज नहीं बताते थे, केवल तिथि बताते थे। पंचांग निकाला देखा, और देखना क्या था, वो पहले दिमाग भरा हुआ उनके है, इसको ये कहना है, घर से गणना करके आते थे। लेकिन पंचांग खोला, उन्होंने कहा राजन इस महीने की इस तारीख को आपको सतर्क रहना है और इस तारीख को आप सफल रहेंगे। यही काम आज के हमारे दूसरे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या
फिल्म मेकर्स हैं उनको बुलाते हैं कि साहब आपको फिल्म को लॉन्च करना है तो इस तारीख को करेंगे और इस तारीख को अवॉइड करेंगे, रिलीज करने के लिए भी लॉन्च करने के लिए भी, और कोई इसका रिव्यू कराना है सेंसर बोर्ड जाना है अवॉइड करेंगे। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनके पास जा कहेंगे साहब इस तारीख को प्रोजेक्ट को शुरू करिए और इस प्रोजेक्ट को आप मत करिएगा। इवन अब तो कहीं गवर्नमेंट के कामों में भी होने लगा है, बोला पूछते हैं कौन ठीक होगा, लेकिन उसमें भी वही होता है, लोग उठाकर पंचायत देखा और तिथि बता दी। मैं चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी हैं वो अति दुर्गम और अति सुगम निकालना सीखें। वैसे बाय द वे हम लोगों के कहने पर पराशर लाइट वाले ने अति सुगम और अति दुर्गम को मार्क करना शुरू कर दिया है उसके सॉफ्टवेयर में। तो जब सॉफ्टवेयर को आप लेंगे तो उसमें आपको साफ नजर आएगा जिसे क्लिक करेंगे इस महीने का कौन सा तारीख अति दुर्गम काल है और कौन से दिन अति सुगम है। प्रत्येक नक्षत्र के 27-27 का उसमें बनाया कर दिया, उसको उन्होंने पूरा पूरा डाल दिया है। और इसी से मुझे पाराशर लाइट से याद आ गई मुझे बात कि जैसा कि मेरी केदार जी से कई बार चर्चा हुई और बड़ी पुरानी बात शायद भोला भाई को ध्यान में आ रही हो, एक जमाने में DDA में डायरेक्टर लैंड्स हुआ करता था। तो मैंने कहा भाई आईकास के लिए एक जमीन ले ली जाए और अभी इंस्टीट्यूशन रेट पे आराम से मिल जाएगी। उस समय पर केदार जी की बात कहीं चल रही थी यमुना बाजार में किसी आश्रम के साथ में, वो आईकास के लिए कोई जमीन देने को तैयार हो रहे थे कोई आश्रम वाले कि इसमें अपना आईकास का ऑफिस खोलिए क्लासेस चलाइए वगैरह वगैरह। तो उस वजह से हमने सोचा कि बहुत सस्ता काम हो रहा है इसको इसमें क्यों किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो बात भी नहीं हो पाई, फिजल आउट हो गई और ये मैं भी वहाँ चला गया। लेकिन अब मैंने सोचा है दोबारा से जो उनका सपना था और जो हम लोगों ने आईकास वालों सोचा था, एक डॉक्टर रामन मेमोरियल बिल्डिंग होनी चाहिए हमारी अपनी, उस पर प्रयास करेंगे। तो मैंने इसलिए अपने क्लासेस को सेंट्रलाइज कर दिया है और जो उसका पैसा आएगा उसको हम इस बिल्डिंग कॉर्पस फंड में देंगे। पिछले मेरे सेमेस्टर के जो लेक्चर्स हुए उनका जो भी पैसा आया था करीब 1.5 लाख के आसपास, वो ऑलरेडी इसमें ट्रांसफर हो गया है। तो इस साल भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो अपने आप से सहयोग दे सकते दे ही दें, और अन्यथा इस क्लासेस के माध्यम से जो पैसा आएगा वो बिल्डिंग फंड जाएगा। प्लीज डू ज्वाइन और इस सपने को हम लोग पूरा करें कि आईकास्ट की अपनी बिल्डिंग हो, एक जमीन हो और इसको हम आगे बढ़ाएं और डॉक्टर बी वी रमन मेमोरियल बिल्डिंग एक बनाई जा सके आईकास्ट के नाम की। तो ये सॉफ्टवेयर वाली बात है, समझ याद आ गया। और अब हम वापस आते हैं अपने मंगल छठे भाव पर। मंगल जब छठे भाव में आता है उसको लेने के कारण यह था कि मंगल कालपुरुष का लग्नेश है और व्यक्त और अव्यक्त की दोनों की बाउंड्री में है, वो व्यक्त में भी शामिल है और अव्यक्त में भी शामिल है। जन्म का भी हाउस के पास में है और मृत्यु का हाउस भी उसके पास में है। और छठा घर बड़ा विशेष घर है, उपचय स्थान भी है, 3-6-11 में भी है, 6-8-12 में भी शामिल है, बड़ा स्पेशल स्थान है। उस स्थान बैठे मंगल एक अकेला ऐसा ग्रह है जो दोबारा से अपने मूल त्रिकोण को देखता है। छठे घर में बैठ करके अपने मूल त्रिकोण देखने वाला मंगल अकेला ग्रह है। और इस प्रकार से मंगल जब छठे घर में बैठता है तो अष्टम की ऊर्जा, गुहस्थान की ऊर्जा, अव्यक्त की ऊर्जा, जन्म की ऊर्जा और छठे घर, इसकी ऊर्जा को इकट्ठा कर देता है। और इस प्रकार से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है मंगल छठे घर बने जो बाकी किसी और ग्रह के छठे घर में आने से नहीं होती। इसलिए कई विद्वानों ने छठे घर के मंगल पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं अभी एक उस विद्वान कोट करूंगा जिसको बहुत कम लोग कोट करते हैं, नाम है रहीम। बहुत ही उन्होंने बढ़िया काम किया है राजयोग के ऊपर और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में मेरे आर्टिकल आ रहे हैं लगातार रेगुलर कि राजयोग बाय रहीम। तो उसमें उन्होंने क्या इसकी ब्यूटी बताई है कि रहीम जो लिखते हैं इसमें फारसी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इन सभी का मिक्सचर होता है। तो पहला क्या लिखा शब्द आया, रिपुजन परिहंता, इन्हीं शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। जब मंगल छठे भाव बैठा होगा तो उसकी इन गुणों के कारण उसके सामने शत्रु टिकेंगे नहीं। तो या तो उसके शत्रु होंगे नहीं और होंगे तो जल्दी पराजित हो जाएंगे, उसके सामने टिक नहीं सकते। तो कई पुस्तकों मिलता है कि उसके शत्रु नहीं होंगे। मैं कहता हूं
नंबर एक शत्रु होंगे नहीं, और नंबर टू अगर शत्रु होंगे तो पराजित हो जाएंगे, समय टिक नहीं पाएंगे। तो रिपुजन परिहंता, खूब रो, अच्छी पर्सनालिटी होगी, देखने में सुंदर होगा, खूब रो, ये प्रश्न शब्द आ गया यहाँ पर। हम सुवान, वाणी लेकिन उसकी बड़ी मधुर होगी, अपनी बात को ढंग से कहने वाला होगा, हार्ष नहीं होगा, जबकि मंगल छठे घर में योद्धा बनाएगा, योद्धा होते हुए भी उसकी वाणी में कर्कशता नहीं होगी, बिना कर्कश वाणी के मधुरता से अपनी बात कहने में समर्थ होगा। जीहन जड़ जलाले युक्ता, यानी उसके बाद बुद्धिमान होगा, जमीन होगी और प्रतापी होगा। बड़ा अजीब शब्द, जीहन जड़ जलाले युक्ता, हैवान जाता है उसके अस्त में हाथी घोड़े छुवाने वाली बात थी, आज की तारीख कहेंगे कि गाय भैंस होंगी, यानी पशु का बहुत बड़ा उसके पास साम्राज्य होगा। उस जमाने में जब लिखा गया रहीम ने, राजा लोग होते थे वहां पर इतना पशु होना एक सामान्य बात थी, कोई विशेष बात नहीं मानी जाती थी। यदि भवत मिरीखो, मिरीख माने तो मंगल, यदि भवत मिरीखो मर्ज खाने, यानी छठे घर में अगर मंगल होगा, कद्रदान उसकी वैल्यू होगी, चाहे सोसाइटी में बड़ी उसकी वैल्यू की जाती होगी। कुल जन कृत नौका, लेकिन अपने कुल के लोगों को घर में रहने नहीं देगा। अब इसके दो अर्थ अलग अलग होंगे, एक अगर योद्धा होगा तो अपने परिवार के कुल के लोगों लेके युद्ध में जाएगा, घर में रहने नहीं पाएंगे, और एक अर्थ यह भी है कि अगर पूरे मैलिफिक कॉम्बिनेशन बन गए तो पूरे परिवार का नाश करेगा, साथ में रहने नहीं देगा, घर से निकाल बाहर करेगा। हालांकि कुछ जमाने में इसका अर्थ अच्छा था कि अपने साथ में युद्ध में लेकर जाएगा, न स्वयं घर पे रहेगा, ना बाकी पूरे कुल के लोगों रहने देगा, लेकिन आजकल इसका एक मैलिफिक अर्थ बन गया है कि लोगों को बेघर कर देगा, घर वालों को। मात्र पक्षे कुठारा, लेकिन ननिहाल पक्ष को बहुत दुख पहुंचाएगा। लोग इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे कई लोग मामा लोग मार दिया, लाइक भगवान कृष्ण ही मारा, तो इस प्रकार जब ये कॉम्बिनेशन था मंगल तो इसको, लेकिन आज की भाषा में ये भी कह सकते हैं कि अगर मंगल छठे घर में है तो वो जातक अपने ननिहाल पक्ष को कोई सुख नहीं देगा और उनको दुखी होते हुए देखेगा। वो जमाने में कहते थे उनको समाप्त करने वाला होगा, बर्बाद करने वाला होगा, आज की तारीख कहेंगे मात्र पक्ष को इससे कोई भी सुख नहीं मिलेगा, इसके सुखहीन होंगे वो, और उनका कोई सुख ये नहीं देख पाएगा, उनको सुखी अवस्था में देखने का अवसर इसको नहीं मिलेगा। अब ये तो हुआ, रहीम ने कहा था, मैं एक बार फिर से श्लोक पढ़ देता हूं जो लोग नहीं समझ पाएंगे, वर्ड बाई वर्ड अगेन। पहला है कि रिपुजन परिहंता, खूब रो, हम समान, जिहन जर जलाले युक्ता, हैवान जाता यदि बहुत मिरीखो मर्ज खाने, कद्रदान कुल जनकृत नौका, मात्र पक्षे कुठारा। अब इसी बात को हम लोग अपने तरीके से, अपनी भाषा में अपने तौर तरीके से देखते हैं कि मंगल छठे घर का इतना स्पेशल है तो क्या करेगा। जैसे मैंने अभी कहा था आपको थोड़ी देर पहले कि मंगल जब छठे घर में आता है तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों की ऊर्जाओं को जोड़ देता है, आठवां भाव, छठा भाव और लग्न को जोड़ देता है, और इसको जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि और इसके फल क्या आएंगे। तो पहले आप देखिए इसमें कि जब मंगल छठे घर बैठा होगा तो ये दूसरे घर से पांचवा होगा और पांचवें घर से दूसरा होगा। तो ये पद्धति मैंने अभी इस पे काम करना शुरू किया हुआ है कि जब भी एक जगह देखिए भावात भाव में, अकेला एक मत देखिए आप कि ये दूसरे से पांचवा है, ऐसा मत देखिए। अगर ये दूसरे पांचवें घर में बैठा है तो पांचवें से दूसरे में भी बैठा हुआ है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे आप तब इसका फल सामने आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक तरफ ये दूसरे घर से काउंट करेंगे तो छठा घर पांचवा पड़ेगा, तो इसको कहेंगे दूसरे से पांचवें बैठा हुआ है, लेकिन पांचवें से भी दूसरा बैठा हुआ ये। तो जब पांचवें से दूसरे का फल और दूसरे से पांचवें फल, इन दोनों फलों को जोड़ेंगे तब आप सही अप्रिशिएट करेंगे मंगल छठे घर में बैठ करके दूसरे घर को और पांचवें घर को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार का फल इनके संदर्भ में देगा। आई होप आई एम क्लियर नाउ। एक बार पुनः कहता हूँ, जो लोग समझ पाए, थोड़ा जल्दी बोलता हूं मैं, कि छठे घर का मंगल दूसरे घर का पांचवा है और पांचवें घर का दूसरा है, और अब यहां पर बैठ करके इसने लग्न की ऊर्जा, अष्टम भाव की ऊर्जा और छठे भाव की ऊर्जा, इनको उसमें जोड़ दिया।
अब इसको जोड़ने से क्या फल आएगा, मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। तो पहला घर, आठवां घर, छठा घर एक तरफ, दूसरा का पांचवा हो गया और पांचवा का दूसरा हो गया। अब इन सबको इकट्ठा जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं कि फल क्या होगा। दूसरे भाव से हम जानते हैं धन होता है, आदमी की संपत्ति होती है, भाषा होती है, कल्चर होती है उसकी। पांचवें घर से बुद्धि है, संतान है। अब दोनों को जोड़ने का प्रयास करता हूं, पहले क्या आएगा इसमें देखिएगा। जातक ले देखिए, अगर इसके कुंडली में कोई राजयोग है तो ऐसा जातक अपने ब्रेन के माध्यम से और एक्सीडेंट से, लड़ाई से, झगड़े से अर्न करेगा। मीनिंग देर भाई, अगर बढ़िया राजयोग बना इसके कुंडली में, किसी ट्रिब्यूनल का ये मेंबर हो सकता है, किसी ट्रिब्यूनल का अधिकारी हो सकता है, या ऐसी कोई चीज जहां पर एक्सीडेंट रिलेटेड से डील की जा रही है उसके थ्रू अर्न कर सकता है ये। तो क्यों, इसे ब्रेन और एक्सीडेंट और राजयोग और दूसरे का पांचवा और पांचवा का दूसरा आपने जोड़ दिया, तो उसकी जो संपत्ति इकट्ठा होगी अपने ब्रेन को इस प्रकार के कामों में यूज करने से ही इकट्ठा होगी। यानी अपनी संपत्ति को बनाने के लिए वो अपनी बुद्धि का प्रयोग सिक्स हाउस की प्रॉपर्टीज को लेकर करेगा। तो मीनिंग देर भाई, वो ऐसे किसी जगह पर काम कर सकता है या ऐसे केसेस के बारे में वकील हो सकता है। तो जो संपत्ति इकट्ठी होगी वो इस प्रकार की एक्टिविटीज डील करने से होगी। दूसरी बात क्या होगी, अब मंगल कुमार है और दूसरा भाव स्पीच भी है, तो इसका एक होगा कि इसके बच्चे जो होंगे उनकी वाणी अथॉरिटेटिव होगी लेकिन थोड़ी कर्कश भी होगी। अथॉरिटेटिव होना बुरा नहीं है लेकिन वाणी में कर्कशता नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बच्चों में क्या होगा कि वाणी में कर्कशता होगी, अथॉरिटेटिव होंगे और मे बी हार्श इन स्पीच, बट दे विल स्टार्ट अर्निंग वेरी अर्ली। अब देखिए ये बात कहां से निकल रही है कि दे विल स्टार्ट अर्निंग वेरी अर्ली, कि ये कुमार, कुमारावस्था जुड़ रही है दूसरे घर से और पांचवें घर से और लग्न से, अष्टम से और अव्यक्त की ऊर्जा से। दैट मीन्स आपकी आय, आपका धन कुमारावस्था से आप पास आ रहा है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आ रहा है। दैट मीन्स उसके बच्चे बहुत ही अर्ली से कमाना शुरू कर देंगे और साइड बाय साइड उसके बच्चे जहां भी जाएंगे अपना प्रभाव छोड़ेंगे, इंपैक्ट छोड़ेंगे। हालांकि उनकी वाणी में एक कर्कशता रहेगी जिसकी वजह से लोग बहुत पसंद नहीं करेंगे, लेकिन डिस्पाइट दिस डिफेक्ट कि वाणी में कुछ स्पीच पे डिफेक्ट होने से, हाँ सॉरी ये कहना भूल गया मैं, ये भी हो सकता है कि वाणी उतनी कर्कश न हो, अथॉरिटेटिव न हो, तो उनकी वाणी में डिफेक्ट होगा। लेकिन डिफेक्ट होने के बावजूद वाणी का प्रभाव होगा। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, जैसे एक एक्टर है शाहरुख खान और उसकी स्पीच डिफेक्टिव है बट अपीलिंग है। ऐसे कई हमारे लीडर हुए हैं जिनकी वाणी बहुत ही स्पष्ट नहीं थी, वाणी में बहुत लोच नहीं था लेकिन अपील थी। तो इसी प्रकार इस जातक के बच्चे अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, असर्टिव हो सकते हैं, हार्श हो सकते हैं या उनकी वाणी में कोई डिफेक्ट हो सकता, बट डिस्पाइट दैट उनकी वाणी में एक अपील होगी और उस अपील की वजह से वो अर्ली एज में कमाना शुरू करेंगे और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जातक को उनके बारे में व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अर्ली एज से वो सेट हो जाएंगे। अब दूसरी बार देखते हैं, अब ये मंगल तीसरे से चौथा है और चौथे से तीसरा है। अगेन आई रिपीट, अब चौथे घर से काउंट करेंगे छठा घर तीसरा हो गया, लेकिन तीसरे घर से काउंट करेंगे तो चौथा हो गया। अब क्या हो रहा है इसमें, तीसरे घर की प्रॉपर्टी जो कि कम्युनिकेशन, ट्रेवलिंग हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है, फोर्थ होता है आपका मदर है, अदर कंफर्ट्स हैं, पराक्रम आ गया थर्ड हाउस से, तो तीसरे का चौथा है और चौथे का तीसरा है। इसके अंदर लग छठा और आठवां इनकी प्रॉपर्टी और जुड़ जाती है।
इनको जोड़ करके मंगल पूरा फल देगा कि छठे ग्रह बैठ करके क्या देगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? मदर पराक्रमी हो सकती है, मदर डिसीजन लेने में समर्थ हो सकती है, कोई समस्या आ जाए उसको डील करने में कैपेबल होगी, और अगर जरूरत पड़ जाए शी कुड टेक इवन क्रूअल डिसीजंस, क्रूअल एक्शंस इफ नीड बी, अदरवाइज नहीं। इन जनरल यही कहेंगे मदर के कार्य में उसकी माता कार्यकुशल होगी, दक्ष होगी, डायनामिक होगी, अपने टिल द एंड काम करने समर्थ रहेगी, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि लगातार कमी बना हुआ है उसके कंफर्ट लेवल में, उसके पराक्रम में कोई कमी नहीं आ रही है, मंगल पराक्रम का कारक भी है, तो माता पराक्रमी होगी, सेल्फ डिपेंडेंट होगी, और टिल द एंड उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एट द टाइम शी कुड बी इवन क्रूअल। और माता के ये गुण जातक में भी आएंगे, वो माता से सीखेगा दक्षता, अच्छी बात है, साइड बाय साइड जरूरत पड़ने पे हार्ड डिसीजंस कैसे ले जाएं, ये गुण उसको अपनी माता से प्राप्त हो जाएगा। तो ये हुआ तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा होने का गुण। मतलब भाई क्लियर हो, जहां पे गड़बड़ अपना हाथ उठा दिया, मैं समझ जाऊंगा उसका रिपीट कर दूंगा, ठीक है सही चल रहा तो ठीक चलने दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है सामने। अब ये मंगल बारहवें का सातवां है और सातवें का बारहवां है। अब स्पीड ब्यूटी क्या होगी, हमने जो देखना है कि बारहवें भाव के गुण, सातवें भाव के गुण, और इनके गुणों पर सुपर इम्पोज करेंगे हम लग्न के गुण और अष्टम के गुण, और अव्यक्त की पूरी ऊर्जा अब इसमें आ रही है, इस मंगल के अंदर। अब ये क्या करेगा, ट्वेल्थ हाउस आपको सिस्टम बाहर निकलने वाला होता है, ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटल होता है, ट्वेल्थ हाउस जेल भी होता है, कृष्ण जन्मभूमि होता है, सेवेंथ हाउस आपकी पत्नी है, आपका पार्टनर भी है। अब इन सबको इकट्ठा करते इसमें अष्टम का गुण, अव्यक्त का गुण, छठे भाव का गुण आ गया। तो जब कभी ऐसी कुंडली देखें आप जहां पर मंगल छठे घर बैठा हो और प्रमिनेंट हो, तो उसको कह दिए भाई आपको एक राय दे रहा हूं, मानना न मानना आपके हाथ में, लेकिन मेरी आपके सुझाव है कि जब कभी भी अपने पार्टनर से, अपनी वाइफ से डील करें, वेरी केयरफुल व्हाइल स्पीकिंग। अगर आपने उनके साथ बातचीत करने में अच्छे शब्दों प्रयोग नहीं किया, या आपने जरूर ज्यादा अग्रेसिव हो गए, आप ही कष्ट पाएंगे। और अगर मामला ज्यादा आगे बढ़ गया, एक पर्टिकुलर केस में एक मित्र से कहा गया कि भाई आपकी पत्नी तो बड़ी सीधी सादी है, लेकिन आप उसको जरूर दबाने की कोशिश मत करें, अन्यथा किसी कष्ट में आ जाएंगे। ये बात उनको समझ शायद नहीं आई। फिर एक दिन पता चला कि पूरे सम्मान के साथ वो कृष्ण की जन्मभूमि पहुंच गए, वाइफ ने क्रिमिनल कंप्लेंट लिखा दी, पुलिस आई, अरेस्ट हुए, और बाकायदा कुछ दिन वहां गुजार करके फिर बाहर आए। तो ऐसे जातक को अपनी पत्नी से, अपने पार्टनर से डील करने में बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और ऐसी कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे वो अपने दिल पे ले लें। अगर वो बात उनके दिल पर बैठ गई तो आज नहीं तो कल आप उसका फल भोगना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि ऐसा मंगल पत्नी को इस बात को प्रेरित करे कि अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर धन खर्च करे, आप करने दीजिए, रोकने की कोशिश मत करिए, अगर रोकने की कोशिश करेंगे फल वही होगा जिसका पहले, कि आप ही संकट में आएंगे, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, अष्टम की ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगी ट्वेल्थ हाउस में, और लग्न संकट में आ जाएगी, दैट मीन्स आप संकट में आ जाएंगे। तो ये ब्यूटी होती है इसकी, इस कॉम्बिनेशन की, जब भी देखना हो आप ऐसे दुख मिलाइए कि ट्वेल्थ का सेवेंथ है, सेवेंथ का ट्वेल्थ है, तो सेवेंथ को ट्वेल्थ मिलने जा रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, मंगल है, क्रूर प्लेनेट है, कुछ भी करने में समर्थ है, और ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटल है, जेल भी है, तो आप या तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे या आप जेल पहुंच जाएंगे अगर आपने सावधानी नहीं बरती। तो आगे चलते हैं,
अब यही मंगल आठवें घर से इलेवेंथ है, आठवें का ग्यारहवां है और ग्यारहवें का आठवां है। एक सेकंड में थोड़ा सा गला सूख गया। इसकी ब्यूटी और बढ़ गई। इसका कारण यह है कि आठवां तो ऑलरेडी इसमें एक्टिवेट हो ही रहा था, आठवां ऑलरेडी एक्टिवेट हो रहा था कि मंगल वहां का भी स्वामी है, लग्न का भी स्वामी है। और दूसरी तरफ अभी आठवें का ग्यारहवां है और ग्यारहवें का आठवां है। अब इन दोनों के फलों को मिलाएंगे तब पता लगेगा ये मंगल इनके डिफरेंस में क्या देने वाला है। एक तो अच्छी चीज है कि ये मंगल इस बात को दिखा रहा है कि चूंकि आठवें का ग्यारहवां बन रहा है और आठवां डबल तरीके से एक्टिवेट हो रहा है, तो या तो आपको इनहेरिटेंस पे काफी प्रॉपर्टी मिल जाए, या ये भी हो सकता है कोई बड़ा पुराना मुकदमा जो आपके फादर ग्रैंडफादर टाइम चला रहा हो, जिसके आपको खबर भी नहीं हो, वो आपके टाइम में आए, आप जीत जाए और पूरी संपदा आपको मिल जाए। तो बिना प्रयास किए हुए वो मुकदमा जो आपके जन्म से भी पहले शुरू हुआ, वो झगड़ा चले आ रहा था, आज निपट गया और आप इतनी सारी संपदा मिल गई। इसी कारण से साउथ में एक लोग कहते हैं कि जब कभी किसी पे मुकदमा करना हो, झगड़ा करना हो, किसी चीज के बारे में जाना हो, तो उस दिन जाइए जिस दिन आपके नेटल चंद्रमा से मंगल छठा चल रहा हो। जब वो पीरियड होगा, उस पीरियड में जब उसको शुरू करेंगे, आप सफल रहेंगे, आप हारेंगे नहीं। तो साउथ वाले वेट करते रहते जब हमें किसी केस डालना है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हमारे चंद्रमा से मंगल छठा मिल जाए और स्टेट हम चले जाएं। तो ऐसे में आपको पुरानी संपदा, लिटिगेशन संपदा, ये मिलने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी बन जाती है। इसका एक निगेटिव पहलू भी है, क्योंकि ग्यारहवें का आठवां भी है, तो जब कभी भी आप चाहेंगे कि अन्याय के माध्यम से कुछ ही अर्न करने की कोशिश करेंगे, तो वही मंगल जी एक तरफ आपको इनहेरिटेंस दिला रहा था, पुराने कोर्ट केस में जिता रहा था, वही मंगल अब आपको उसके दुख देगा, आपको समस्या में डाल देगा। तो ऐसे आदमियों को दूसरी राय दी जाती है कि मंगल काल पुरुष का कर्ता है और ये चाहता है कि आदमी दक्षता से कार्य करे और उससे अर्न करे, अपने पुरुषार्थ से अर्न करे। तो अगर आपने पुरुषार्थ किया बिना आप ऐसे ही अर्न करने की कोशिश की, तो इसमें आपको कष्ट भी हो सकता है, दैट यू हैव टू अवॉइड। तो ये हुआ आठवें का ग्यारहवां और ग्यारहवें का आठवां। अब अगला लेते हैं, ये मंगल छठे घर बैठा हुआ दसवें का नवा है और नवें का दसवां है, ये बड़ा स्पेशल कॉम्बिनेशन बन जाता है यहां पर। तो जब कभी भी मंगल ऐसे में आता है, तो इसमें देखिए कितनी बातें अब एक साथ जुड़ गई, एक तो आठ नौ दस और छह एंड लग्न एक साथ जुड़ गए इसमें। फिर रिपीट करूंगा, पहला घर जुड़ गया, छठा, आठवां, नवां और दसवां। तो पहला तो इसका इंडिकेशन ये हुआ कि ये जातक और इसके पिता पिछले जन्म में भी साथ साथ थे। ये जरूरी नहीं पिछले जन्म में दोनों पिता पुत्र ही रहे हों, भाई भाई हो सकते हैं या कोई दूसरा रिश्ता हो सकता है, लेकिन यह जरूर है कि पिछले जन्म में काफी बड़ा समय दोनों साथ साथ गुजारा, साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट किए और उनको पूरा करने के लिए ईश्वर ने एक अवसर फिर दिया है कि इस जन्म में आप दोनों पुनः से पिता और पुत्र होकर के आए और उन पुराने ऋण बंधन को पूरा करें। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आती है जिनका मंगल छठे घर में होता है कि वो अपने उस पिता से यानी उस व्यक्ति से जुड़ रहे हैं जिसके साथ पिछले जन्म में काफी कुछ काम कर चुके हैं और एक बार पुनः मौका मिल रहा है कि उस कार्य को आगे बढ़ाने का। इसको जानते हुए वो उनको अपने पिता का जो काम था जो देख रहे थे उसमें जुड़ जाना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का एक इशारा है कि पिता जो काम कर रहा है उसको पूरा करोगे तो आपके पुराने ऋण बंधन समाप्त होंगे। और इसे देखा भी गया है कि अक्सर जिनका मंगल छठे घर में होता है, पिता डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर हो गया, पिता एडवोकेट है बेटा एडवोकेट हो गया,
और कई बार बड़ा विचित्र बात होती है कि पता लगा मंगल छठे घर में है और पिता पता लगा एडवोकेट हैं और बेटा नौकरी करने चला गया, उसने वकालत नहीं की। लेकिन कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद वो नौकरी छोड़कर आता है और पिता के काम को फिर पकड़ लेता है और उसको आगे बढ़ाता है। तो क्योंकि पिछले जन्म का ऋण बंधन है, इसने उस काम को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, पिता के काम में जुड़ना ही जुड़ना है। जब तक तो जुड़ेगा नहीं, ऋण बंधन पूरा होगा नहीं। तो जितनी जल्दी इस बात को समझ ले उतना अच्छा रहेगा। अगर आप लेट करेंगे समझने इस बात को तो होगा कि जुड़ेंगे जरूर उस काम में, लेकिन फिर पिता की मृत्यु के बाद आप करेंगे। आपने पिता की लीगेसी को आगे बढ़ाना है। पिछले जन्म के ऋण बंधन कारण आपने पिता से फिलोसफिकल तरीके से, इमोशनल तरीके से, फिजिकल तरीके से और फाइनेंशियल तरीके से, यानी चारों तरीके से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगे उतनी जल्दी आपके ऋणानुबंधन समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऋणानुबंधन पूरे करने हैं, उसमें कोई च्वाइस नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिनका मंगल छठे भाव में है कि जल्दी जल्दी उस पिता के साथ में जो इमोशनल बॉन्डिंग है, फिलोसफिकल बॉन्डिंग है, फिजिकल बॉन्डिंग है, फाइनेंशियल बॉन्डिंग है, उसको और बढ़ाएं आगे। और अगर पिता काम न भी करना चाहते हो तो उसके काम को समझ जरूर लें, क्योंकि ये दिखा रहा है, क्योंकि दसवां का नाइन्थ होना क्या हुआ, जो पिछले जन्म में आप काम करके आए थे वो अब भाग्य में परिवर्तित हो सकते हैं। और भाग्य का दसवां है, तो भाग्य कर्म कर्म को भाग में परिवर्तन करने का अवसर आपके हाथ में है। कि मंगल दक्षता है, मंगल आपका पुरुषार्थ है, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से आप कर्म को भाग्य में, भाग्य कर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अवसर हर एक को नहीं मिलता, बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तो अगर ये आपको अवसर मिला हुआ है, और दूसरा ये भी दिखा रहा है कि आपके पिता को भी जो नॉलेज है वो स्पेसिफिक है, टेक्निकल टाइप की है। व्हेन आई से टेक्निकल, टेक्निकल डजंट मीन कि इंजीनियर होंगे, लेकिन जो भी ज्ञान का विशेष ज्ञान है, विशेष फील्ड में काम कर रहे हैं। कि पुराने जमाने में तो एक साधारण होता, उसको अलग कर देते, आजकल तो क्या होता है, हमने इतनी भाषाएं अलग कर दी हैं, ब्रांचेस, टेक्निकल मीन अलग होता है। लेकिन पहले होता था एक रूटीन में, रूटीन हट गए उसको टिकल मान लेते थे। तो इनके पिता भी विशेष ज्ञान वाले हैं, नॉर्मल वाले नहीं है। जल्दी जल्दी पिता को समझ करके वो जुड़ जाना चाहिए, अन्यथा क्या होता बाद में कि पिछले जन्म का ऋण बंधन है, आप उस काम से जुड़ेंगे भी, भावनात्मक तरीके जुड़ेंगे, लेकिन फिर बाद में दुख होता है कि मैंने पिता के रहते बात समझा नहीं। अगर समझ लिया होता, पहले जुड़ गया होता, तो मैं इसको ऐसा ऐसा कर लेता। तो ये जो एक ग्लानी होती है आदमी मन में, ये बहुत बड़ी ग्लानी होती है। इस ग्लानी के बोध से आदमी पे दबा रहता है। एक और ही बहुत बड़ा अवसर मिला आपको है कि आप उस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए, उसके पुत्र बने हुए जो पिछले जन्म आपके साथ था। तो आपका भाव शरीर, आपका ज्ञान शरीर, आपका मंत्र शरीर, आपका सिद्ध शरीर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, सॉरी कारण शरीर भी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। एक मिनट, मुझे लगता है मेरा यहां से वीडियो कुछ गड़बड़ा गया है। व्हाट प्रदीप, देखिए क्या प्रॉब्लम होंगे इसमें भाई। प्रदीप जी, मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ बताइए मुझे भाई, मुझे तो मेरा कुछ गड़बड़ दिख रहा है। Am I visible? Yes, yes, visible है सर, visible है सर, दिख रहे हैं आप। Okay, okay. सर ये कोई मोनू शर्मा ने स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दिया है, प्लीज आप स्टॉप करें अपना स्क्रीन। अच्छा, इसीलिए गड़ हो गया भाई, मैं अपने ब्लैंक हो गया हूँ भाई, जज को ठीक कराई। तो उसके बाद में मोनू शर्मा जी प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। हाँ जी सर, वापस मतलब अटका दिया तो उन्होंने, एक लगता है कि मेरा के पुराना ऋणानुबंधन बीच में आ गया, तो बंधन बन गया बीच में। मैं ऋणानुबंधन की बात कर रहा था, मेरा ही ऋण सामने आ गया। तो मैं कह रहा था कि आदमी का कारण शरीर, भाव शरीर, ज्ञान शरीर, मंत्र शरीर, सिद्ध शरीर, ये सब के साथ एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कनेक्शन। जो आप जानते हैं आदमी के 10 शरीर टोटल होते हैं, जिनमें ये 5 मुख्य शरीर हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो आदमी को अपने ऋण बंधन भोगने में बहुत सहायता मिलती है। वो अवसर इसको मंगल के 5 छठे घर में बैठने से मिल रहा है।
अब एक बात और होती, मंगल जब छठे घर में आता है तो आदमी के शरीर पे कहीं ना कहीं कट होता है, या पुराने जमाने कहते योद्धा है तो उसके हाथ पे छाती पे एक घाव का निशान होगा। आज की भाषा में कहता हूं कि अगर मंगल छठे घर बैठा हुआ तो आपके शरीर पे या तो कोई कटमार्क होगा, चोट का निशान होगा, या एक बार जीवन में कोई ना कोई ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। अन्यथा आप बहुत वीर हैं, साहसी हैं, तो हो सकता है कि फिर आपको कहीं युद्ध में, या जो पहले होता बच्चे चाकू रखे स्कूल जाते, तो शायद बंद हो गया है, भोला भाई टाइम रहा होगा कि लोग चाकू रखे जीवन जाते थे, तो कहीं उसका प्रभाव हो, लेकिन शरीर पर कहीं कहीं से एक कट का निशान जरूर आ जाता है जब मंगल छठे घर में बैठा होता है। अब दूसरी बात लास्ट इसमें आती है, अब ये छठे घर का मंगल लग्न से छठा है और छठे से पहला है, तो इस तरीके से एक साथ और इस छठे से इसने लग्न को देख भी लिया, यानी छठे घर में बैठ के पहले घर को देख भी लिया कि मंगल आठवें देख सकता है। ये प्रॉपर्टी और ग्रहों के अंदर नहीं है, सिर्फ मंगल के अंदर ही है। तो इस प्रकार का मंगल अब क्या करेगा, नवे से दसवां होने के नाते और दसवें के नवा होने की जो ऊर्जा है, और पहले से छठा और छठे के पहला होने से, इन सबको इकट्ठा कर देता है, और इकट्ठा करके एक तरफ आदमी को पराक्रमी बनाएगा, कुछ टेक्निकल नॉलेज लेने को मजबूर करेगा। वो किसी, जैसे हमारे कई कलीग हैं आईएएस में है लेकिन पहले आईआईटी करके आए हुए हैं, कारण क्या, मंगल छठे के बैठा हुआ, तो पहले तो टेक्निकल नॉलेज दे दी, उस टेक्निकल नॉलेज के बाद में इधर आ गए। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कोई टेक्निकल डिग्री नहीं ली है, किसी आईआईटी या उसमें नहीं गए इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन इंजीनियरिंग रुचि बहुत है और उतनी ज्यादा नॉलेज रखी हुई घर में कि घर में कोई समस्या आ जाए उनको टेक्नीशियन बोला जरूरत नहीं है, उस काम को स्वयं ही कर लेते वो, क्योंकि इस सभी ऊर्जाओं को मंगल इकट्ठा कर रहा है। अब लास्ट में एक सावधानी, जब ऐसा जातक, हमने बता कहा अभी थोड़ी पहले कि इसने आठवें घर की ऊर्जा को, लग्न की ऊर्जा को और नवम की ऊर्जा इकट्ठा कर दिया है, ऐसे जातक को कई बार कोई इनको ऐसा आदमी मिलता है कहता मैं बहुत जल्दी ही आपको कुछ तंत्र करा दूंगा और आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे, जो चाहते हैं वो हो जाएगा। ऐसे जातकों को ये राय दी जाती है कि कुछ भी हो जाए उनको लाल किताब का कोई प्रयोग, उनको तंत्र का कोई प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, अगर करेंगे तो पिछले जन्म के जो भी अच्छे फल थे जिसके कारण से ये पिता पुत्र की जोड़ी के रूप में यहां पर आए, पुराने जन्म के ऋण भोगने मौका मिला और उसका भाग्योदय हो रहा है और आपके पुरुषार्थ के माध्यम से भाग्य को कर्म में, कर्म को भाग्य में कन्वर्ट कर रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे और आगे के पूरा पूरा रण मंदिर बाधित हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव कभी भी ये नहीं चाहता है इस घर में बैठ करके कि आदमी पुरुषार्थ के छोड़ करके कोई शॉर्टकट अपनाए। अब कहने बहुत था, घड़ी कह रही है एक घंटा पूरा हो गया मेरे कोठे का, तो प्रदीप ऐसा करता हूं कि सर अभी बात है, सर अभी आपके टाइम बहुत बाकी है अभी, सर अभी फिर आपने डराया क्यों था मुझे भाई कि नहीं कि एक घंटे बाद बंद कर दीजिएगा गला दर्द करने लगेगा। 3:15 पे मैंने आपको हैंडओवर किया था, एक घंटा पूरा बाकी है आपका सर, आपके सर आपके टाइम नहीं है सर, पर मैं चाहता हूँ कि लोग आपको सुने, सीमा सर कोई नहीं है आपके टाइम की, और जाते हैं आपको लोगों को आपके सुनने की प्यास बनी रहे बराबर, इसलिए मैंने आपको कहा था सर कोई नहीं उचित है। मैं सर दो चार बातें कह करके मैं समाप्त करूंगा कि उसके मेरी दूसरी मीटिंग शुरू होने वाली है 15 मिनट है उसके लिए, तो 15 मिनट थोड़ा सा टाइम इसको मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज में छूट गई कहने के लिए मुझे कि ऐसे व्यक्ति लोग हैं, बड़ा शानदार योग बना है जो पिछले जन्म में आज के टाइम इसका अर्थ बदल रहा है, उसमें शास्त्र कहता है कि ये अपने शत्रुओं की संपदा का भोग करेगा, ध्यान दीजिएगा, शत्रुओं की संपदा का भोग करेगा। तो पुराने समय में क्या होता था, राजा लोग युद्ध पे गए उसको हरा दिया और उसको उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, शत्रु की संपदा आपकी अपनी हो गई, या किसी ने आप आक्रमण किया आपने उसको हरा दिया और उसके राज्य को अपने मिला लिया, इधर वे। आजकल ये थोड़ा इसका मामला उलट गया है, अब क्या होता है कि जिसने भी आप पे शत्रुता की वो ऐसे हालात बनते हैं कि अल्टीमेटली यू एक्वायर हिज प्रॉपर्टी,
एनिमीज की प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का एक पक्का साधन है अगर आपका मंगल छठे घर बैठा हुआ है। और ऐसे आदमी जब कभी किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर लिटिगेशन जाते हैं, दे आर ऑलवेज विक्टोरियस, को कभी इनको हारने वाला मौका नहीं आता है। और इसी के रेफरेंस मैंने कहा था, साउथ में कहते हैं ना कि जब कभी भी आपके चंद्रमा से छठा मंगल है तो आप मुकदमा डाल दिए, जीतेंगे जीतेंगे, क्योंकि आपके भाग में लिखा हुआ है कि शत्रु की संपदा का उपभोग आप करेंगे, क्योंकि आपके सामने शत्रु टिक नहीं सकता और मुकदमा आपने जीतना है। सिर्फ आप दो जगह मुकदमा हारेंगे एंड देयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये बड़ा फाइन लाइन है, इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक तरफ मैंने कहा कि आप शत्रु की संपदा का उपभोग करेंगे, आपके सामने शत्रु टिकेगा नहीं, और एक तरफ मैंने ये भी कहा है कि दो स्थानों पर अगर आप झगड़ा करेंगे तो आप ही हारेंगे, आप ही जेल जाएंगे, आप ही पनिश होंगे। वो दो ध्यान रखिए। तो पहला उसमें यह है आपका स्पाउस, आपकी पत्नी या पति, आज की भाषा में बदल भी जा सकता है। अगर आपने कभी इस शक्ति का प्रयोग पत्नी पे कर दिया तो निश्चित तौर पर आप लूजर होंगे। आपने अभद्र भाषा प्रयोग किया, आप लूजर होंगे, मुकदमे में चले गए, आप हारेंगे। तो पत्नी के अगेंस्ट मुकदमा छोड़ के आप बाकी सब मुकदमे जीतेंगे। अगर अनफॉर्चुनेट कभी ऐसा हो जाए कि पत्नी के मुकदमे होने नौबत आ जाए तो पहले ही सरेंडर कर दीजिए, कंप्रोमाइज कर लीजिए। सरासर अन्याय हो रहा हो तब भी कंप्रोमाइज कर लीजिए। एक पर्टिकुलर केस में, नाम में बताने में असमर्थ हूं, वहां पर उन्होंने पत्नी को अपने 100 करोड़ के कंप्रोमाइज किया, 100 करोड़ देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा साहब ये आपको 100 करोड़ प्यारे हैं या पूरा 1000 करोड़ लूज करेंगे और जेल भी जाएंगे आप। ऐसा हमने बिल्कुल ऐसा होगा, आप चेक कर लीजिए। एक महीने लौट के आया, मैंने कंप्रोमाइज कर लिया, आप करें सही कर रहे थे, मेरे सब पेपर वाइफ के पास में हैं, और अगर वो उस पेपर्स यूज करती तो ईडी के माध्यम से मैं जेल भी जाता और मेरी सब प्रॉपर्टी चली जाती। तो इसलिए मॉरल स्टोरी इज, जब मंगल छठे भाव में हो तो आदमी कभी भी किसी मुकदमे में पत्नी से जीत नहीं सकता। सिमिलरली आपको कोई पार्टनर है, आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे, उसके अगेंस्ट मुकदमा भी करेंगे, वो भी आप लूज करेंगे। तो इन दोनों को छोड़ते हुए पत्नी एंड पार्टनर, बाकी हर मुकदमा ये जातक जीतेगा। और लेकिन ये दो ऐसे मुकदमे हैं जहां पर अगर ये सही है, वो अन्याय कर रहे हैं, सरासर गलत हैं, फिर भी राय देनी चाहिए, प्लीज गो फॉर कंप्रोमाइज, डोंट गो अहेड विद दैट लिटिगेशन। जितनी जल्दी हो इस मुकदमाजी को समाप्त कर दो। एक केस आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, जो हो नहीं सकता वो हुआ। ऐसे ही एक हस्बैंड वाइफ थे, लव मैरिज हुई, और जैसा होता है लव मैरिज आजकल, बहुत जल्दी झगड़े शुरू हो गए। झगड़े बढ़ गए तो कभी कंप्रोमाइज कर लो। उसने कहा हर तरीके दवारी में कहां तक कंप्रोमाइज करूं। अब मजे वाली बात देखिएगा, ये जातक अमेरिका गया हुआ था, वाइफ ने FIR लिखा दी कि साहब फला फला तारीख को इन्होंने पीटा, इनके माँ बाप ने पीटा, माँ बाप तुरंत अरेस्ट हो गए। ये आदमी अमेरिका जब आया, लैंड किया, उसके दूसरे भी अरेस्ट हो गया। इसने अपना पासपोर्ट दिखाया कि जिस डेट का मुकदमा है बात चल रही, मैं इंडिया में था ही नहीं, मैं इसको कैसे पीट सकता हूं। इसके बावजूद अरेस्ट हुआ, 15 दिन जेल में रहा, उसका छूट बाहर आया, उस चक्कर में नौकरी सस्पेंड हो गया, बहुत कष्ट पाया, बड़ी मुश्किल से रजिस्ट्रेट हुआ है, और पैसा देकर फिर डाइवोर्स लिया उसने। तो अक्सर लोग इससे सवाल करते हैं, ये इतना बड़ा अन्याय कैसे हो गया, और इतना बड़ा जुडिशियल अन्याय हुआ कैसे कि साहब जो आदमी था ही नहीं यहां पे इंडिया में, सिटी छोड़ दिए, इंडिया में नहीं था, पीट सकता ही नहीं था, फिर अरेस्ट कैसे हो गया। तो मैंने कहा भाई इस व्यक्ति के कुंडली में बाकी सब मुकदमे जीतेगा, पत्नी से मुकदमा नहीं जीत सकता है, इसको जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए था, समझाया गया इसे नहीं माना। तो मेरे ख्याल से अब मैं स्वयं समाप्त करता हूं यहीं पर, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फॉर पेशेंट लिसनिंग। और अभी इसमें जो मेरा मेटेरियल बचा हुआ है कि 4:15 में दूसरी मीटिंग ज्वाइन करनी, मेरी मजबूरी 5-7 मिनट लगे ज्वाइन करने, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं अभी। इस पे जो मैं चाहता हूं कभी और मौका मिलेगा तो मैं स्वयं चाहता हूं आपको मंगल के बारे में, मेरे पास करीब आधे घंटे मेटर और बचा हुआ है, और इसी अति दुर्गम काल, अति सुगम काल में चाहता हूँ सभी नक्षत्रों को
आपको एक एक करके दिखाऊं, आप लोग देखें कि अगर शनि आपका मूल नक्षत्र है तो आपका दुर्गम काल क्या होगा, अगर भरणी है तो दुर्गम काल क्या बनेगा, किस दिन सतर्क रहें, हमारा सुगम काल क्या होगा, इसकी पूरी गणना एक बार मैं पुनः दिखाना चाहता हूँ। तो जब कभी मौका मिलेगा हम पुनः आएंगे, उसके चर्चा करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार। आपकी अनुमति हो, चूंकि आपने अधूरा रह गया है, लोग इच्छुक भी हैं, तो नेक्स्ट संडे या उसके किसी संडे में, कभी किसी संडे में कर लेंगे, बहुत मौका है, मौके हैं, अभी बड़े सारे हैं। अब मजबूरी, आज का टाइम ऐसा गलत है कि वो मीटिंग में छोड़ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है ये। इसमें जो आईकेएस की हमारी मीटिंग है, इस पे दो तीन वाइस चांसलर से जुड़े हुए हैं, तो मुझे वहां पे उनके आने से पहले ही जाना है, क्योंकि आई एम द होस्ट, उनके आने से पहले मुझे होना जरूरी है। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ इस वक्त। नमस्कार, फिर से धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने समय निकाला, और हम कोशिश करेंगे कि एक दो नेक्स्ट संडे या उसके संडे में आपसे टाइम लेके सबको इंटीमेट एक बार फिर से आपका करा देंगे। ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।